हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, आप सर्च कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि हिंदी के पेपर में लिखने का सही तरीका। अगर आपका 80 मार्क्स आने वाला होगा, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो 90 आ जाएगा। अगर आपका 70 मार्क्स आने वाला होगा, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो 80 मार्क्स हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक मार दीजिएगा, ठीक है, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 85+ गारंटी, अगर ये वीडियो देखेंगे आप तो 85+ गारंटी है। फर्स्ट क्वेश्चन आप रहेगा जो हमारा पेपर रहेगा, किस तरीके से रहेगा और कैसे आपको लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है, सारी बातें इस डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न जो हमारा मिलेगा 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए, आपको पेपर 15 मिनट पढ़ने के लिए आएगा। हिंदी के पेपर में खंड क ख आएगा, ठीक है, दो खंड में हमारा पेपर बटा रहेगा, खंड क और खंड ख। बात करेंगे, पहले पेपर स्टार्ट करेंगे हम लोग खंड क में। खंड क में बहुविकल्पी रहेगा तो लिखेंगे प्रश्न संख्या एक, ठीक है, प्रश्न संख्या एक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से इनका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप खाना खाते हैं, अगर उसे सही से परोस के दिया जाए तो दिखने में कितना अच्छा लगता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कुछ लिखते हैं उसको सही से परोस कर अगर आप पूरा पेपर लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 10 मार्क्स बढ़ाकर दे देगा। वो हर क्वेश्चन में से हाफ हाफ मार्क्स बढ़ते चला जाएगा, तो आपको 20 क्वेश्चन है तो हाफ हाफ बढ़ेगा तो 10 मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए। प्रश्न संख्या एक बहुविकल्पी रहेगा, ऐसे प्रश्न संख्या एक डालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, प्रश्न संख्या एक हो गया। प्रश्न संख्या दो करेंगे, प्रश्न संख्या दो भी बहुविकल्पी मार रहेगा 5 मार्क्स में, इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या थर्ड में क्या रहेगा, ये रहेगा गदांश, गदांश रहेगा हमारा, दो ऑप्शन रहेगा इसमें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो आप मान लीजिए इसे फर्स्ट करते हैं तो फर्स्ट लिखेंगे, प्रश्न संख्या थी फर्स्ट, अब सेकंड करते हैं तो सेकंड आप लिख देंगे, ठीक है। इसमें आप 5 क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट का आंसर देंगे, सेकंड का आंसर देंगे, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, इस तरीके। प्रश्न संख्या तीन पहला कर रहे, पहला लिखेंगे, दूसरा करें, दूसरा करेंगे, फिर इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांचों आंसर देंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रश्न संख्या चार, प्रश्न संख्या चार रहेगा पदांशों का से, ठीक है। इसमें भी दो ऑप्शन रहेंगे, 5 मार्क्स का ये भी रहेगा, इसमें भी फर्स्ट सेकंड वाली, इसमें सेकंड लिखते हैं तो सेकंड ऑप्शन डालेंगे प्रश्न संख्या चार, और इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो भी आंसर, पांच आंसर का जवाब देना पड़ेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 जो हमारा रहेगा वो जीवन परिचय लिखने के लिए रहेगा, उसमें 3 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी एक ऑप्शन चुनेंगे। मान लीजिए आप फर्स्ट क सुनते हैं, ये प्रश्न संख्या 5 में क और ख रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए पहला आप चुनते हैं, इसमें 3 ऑप्शन रहेगा जीवन परिचय लिखने के लिए, तो मान लीजिए पहला चुनते हैं, आप लिख देते हैं जिसके बारे में चुने उसको, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हमने चुना सेकंड नंबर पे, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर यहां पर अपना लिखना स्टार्ट कीजिए जीवन परिचय, ठीक है। फिर लाइन नीचेगा, फिर प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 की ख में, एक क था एक ख था, ख में आएगा साहित्यिक परिचय, इसमें भी 3 ऑप्शन रहेगा, ये भी 4 मार्क्स रहेगा, ठीक है। इस तरीके से 3 ऑप्शन रहेगा। तो मान लीजिए आपने लिखा महादेवी वर्मा के बारे में, ठीक है, तो मान लीजिए दूसरा पहला है हम लोग का महादेवी वर्मा, 3 ऑप्शन में पहला महादेवी वर्मा, तो पहला लिखेंगे, प्रश्न संख्या 5 ख डालेंगे, पहला और महादेवी वर्मा, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 6 कैसे लिखना ये देखिए, इसमें आपको कहानी की समीक्षा या कहानी का प्रमुख पात्र, इसमें से आपको दोनों में से एक करना रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। तो मान लीजिए आप कहानी का समीक्षा करते हैं तो पंचलाइट कहानी ऐसे डालकर, पंचलाइट मान लीजिए करेंगे, पहला पंचलाइट, प्रश्न संख्या 6 पंचलाइट ऐसे डालकर करेंगे, और मान लीजिए दूसरा करते हैं प्रश्न संख्या 6, इसमें कहानी का प्रमुख पात्र लिखना रहेगा, किसी भी कहानी का जो ऑप्शन उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे, कहानी का प्रमुख पात्र नहीं लिखेंगे, प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे, राज्यों प्रमुख पात्र रहेगा, जैसे राजा रिपुदमन, तो इनको यहां पर लिखेंगे राजा रिपुदमन, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे इनके बारे में, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 समझ में आ गया। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 हमारा रहेगा नाटक, इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, 4 मार्क्स का रहेगा, इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे। तो मान लीजिए नाटक में क्या करना है, आपको पहला कर रहा है तो पहला ऐसे डाल देंगे ऑप्शन, और कुहासा और किरण का कर रहा है, पहला कुहासा और किरण है तो कुहासा और किरण कर देंगे। मान लीजिए दूसरा कर रहा है तो जो दूसरा रहेगा उसका ऐसे लाइन खींचकर प्रश्न संख्या 7 कुहासा और किरण, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 क्या रहेगा, खंड काव्य से रहेगा, इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, खंड काव्य से 2 ऑप्शन रहेंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे, पहला दूसरा, पहला करेंगे, पहला रसिमरथी है तो लिख देंगे रसिमरथी, प्रश्न संख्या 8 रसिमरथी, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा यहाँ पर खंड क खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे खंड ख, खंड ख कैसे करना है, खंड क 50 मार्क्स, खंड ख 50 मार्क्स, ठीक है। खंड ख में पहला प्रश्न संख्या 9 रहेगा, इसमें क्या करना रहेगा आपको, गदांशों का हिंदी में अनुवाद, ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा, तो डालेंगे क और फिर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे
डालेंगे प्रश्न संख्या 9 का क पहला, ठीक है, लिखेंगे संदर्भ अनुवाद, ठीक है, इस तरह दो ऑप्शन रहेगा, कोई एक करना रहेगा, ये 7 मार्क्स करेगा, ठीक। प्रश्न संख्या 9 में क और ख दो रहेंगे, तो क में एक करना रहेगा, संदर्भ गदांशों में का हिंदी में अनुवाद, और प्रश्न संख्या 9 में ख जो रहेगा हमारा पदांशों का हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। इसमें भी दो ऑप्शन रहेंगे, आप खंड प्रश्न संख्या 9 ख करेंगे, ख का मान लीजिए दूसरा ऑप्शन करें, दूसरा डालेंगे, लिखेंगे संदर्भ अनुवाद, ठीक है। खंड प्रश्न संख्या 9 का क कैसे करना है, ख कैसे करना, समझ में आएगा, ये भी 7-7 मार्क्स करेगा दोनों। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 आप कैसे करेंगे, इसमें 4 में से 2 प्रश्न करना होगा, 4 प्रश्न रहेगा, कोई 2 प्रश्न करना रहेगा, तो इसमें आप डायरेक्ट कैसे लिख दें, प्रश्न संख्या 10 प्रश्न संख्या 1 कर रहे हैं और प्रश्न संख्या 3 कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 3, यहां पर आप क्या लिखेंगे, उत्तर नंबर 1 उत्तर नंबर 3, ठीक, प्रश्न संख्या 10 डालकर डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या रहेगा, प्रश्न संख्या 11 रहेगा 2 प्रश्न में से 1, 2 प्रश्न दिया रहेगा उसमें से कोई एक करना रहेगा, ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में, तो जैसे रस है तो रस में दो ऑप्शन, दो रस पूछेगा, ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग शांत रस करते हैं, तो प्रश्न संख्या 11 का क डालेंगे, फिर शांत रस ऐसे करके अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 11 रहेगा हमारा, ये ख ऑप्शन डालेंगे, अलंकार से रहेगा, यमक अलंकार लिखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे अंडरलाइन, ठीक। प्रश्न संख्या 11 जो हमारा रहेगा इसमें ग वाला रहेगा, इसमें छंद पूछेगा, छंद में मान लीजिए आप सोरठा कर रहे हैं, तो आप ऐसे प्रश्न संख्या 11 सोरठा ग इधर लिख सकते, क ख ग इधर लिख देंगे, और प्रश्न संख्या 11 जो करना जैसे रस कर रहे हैं तो शांत रस के बारे में कर रहे हैं, शांत रस लिखेंगे, यमक अलंकार के बारे में यमक अलंकार, ये दो दो मार्क्स रहेगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये निबंध रहेगा, इसमें 5 में से कोई एक निबंध आपको करना रहेगा, तो प्रश्न संख्या 12 डालेंगे, मान लीजिए पहला निबंध आपको करना है, तो प्रश्न संख्या 12 निबंध नंबर 1, जिस निबंध का जो टाइटल रहेगा उसको ऐसे लिखेंगे ब्लैक पेन से अच्छे से और अंडरलाइन करेंगे, फिर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, निबंध समझ में आ गया। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 जो हमारा रहेगा संधि विच्छेद रहेगा, प्रश्न संख्या 13 में दो पार्ट रहेंगे, क ख संधि विच्छेद रहेगा, इसमें तीन ऑप्शन, तीन संधि विच्छेद करने के लिए आएगा, तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 13 का क पहला दूसरा तीसरा संधि विच्छेद, ठीक है, ये एक एक मार्क्स करेगा। फिर जो प्रश्न संख्या 13 ख रहेगा ये हमारा रहेगा एक एक क्वेश्चन इसमें भी करना रहेगा, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का ख फर्स्ट सेकंड आंसर, दूसरा दो क्वेश्चन इसमें रहेगा, सही आंसर सही आंसर, बस आपको पहला दूसरा करके लिख देना, ठीक है, ये एक एक मार्क्स करेगा। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 क्या आएगा, प्रश्न संख्या 14 जो हमारा रहेगा वो रहेगा व्याकरण से प्रश्न रहेगा, ठीक है, तो क प्रश्न संख्या 14 का क ख ग घ चार पार्ट में प्रश्न संख्या 14 बाकी बांटा रहेगा, चार प्रश्न आएंगे इसमें, क में क्या रहेगा व्याकरण से प्रश्न पूछेगा, दो मार्क्स, तो आप डालेंगे साइड प्रश्न संख्या 14 क, उसका जो आंसर लिखना रहेगा आंसर लिख देंगे, ठीक। फिर लिखेंगे प्रश्न संख्या ख वाला कारण, प्रश्न संख्या 14 का ख, इसमें आपको दो प्रश्न रहेंगे, आप सही आंसर पहला डालेंगे दूसरा डालेंगे उसका सही आंसर करेंगे, ठीक है। ग में जो रहेगा प्रत्यय से आएगा, तो प्रश्न संख्या 14 का ग, फिर सही आंसर पहला दूसरा, ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का घ, प्रश्न संख्या 14 का घ, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये विभक्ति से आएगा, और प्रश्न संख्या 15 जो रहेगा वो संस्कृत में अनुवाद करने का रहेगा, तो उसको क्या करना है, चार प्रश्न में से दो, चार प्रश्न रहेगा उसमें से दो करना है, तो प्रश्न संख्या 15 पहला कर रहे हैं पहला लिखेंगे, चौथा कर रहे हैं चौथा प्रश्न कर देंगे। अगर आप इस तरीके से अच्छे से किसी चीज को परोसते हैं खाने को या फिर कोई भी चीज जो आप आंसर लिख रहे हैं, तो आपको जो मार्क्स 90 मिलना रहेगा वो 95 मिल जाएगा, जो मार्क्स आपको 80 मिलना रहेगा वो 90 मिल जाएगा, और जो मार्क्स आपको 70 मिलना रहेगा वो 85 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अगर आपको चाहिए इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी सब्जेक्ट का जो भी चाहिए, जितने सब्जेक्ट है सभी का चाहिए, कैसे मैं पेपर को हल करूं, कौन से प्रश्न कैसे लिखूं, तो आप वीडियो पर कम से कम 500 लाइक अगर आएगा तो मैं सभी सब्जेक्ट का बना दूंगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, और अगर अब तक आप कहीं भटक रहे हो तो भटको मत, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस चैनल पर आपको लास्ट 10 ईयर के पेपर एनसीईआरटी बुक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अवतार मास्टरमाइंड विद्या क्वेश्चन बैंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड मॉडल पेपर से प्रश्न मिलाकर बनाया जाता है, तो अगर आप सच में अच्छे से तैयारी करें तो सब्सक्राइब करो शुभम क्लासेस चैनल को और बगल में बेल नोटिफिकेशन दबाओ जिससे आने वाली सभी वीडियोस नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।